अच्छा तो लास्ट टाइम हमने सेशन टूल्स किए थे, सही है। अब हम आएंगे अपने बाकी टूल्स पर, ठीक है। अच्छा, टूल्स अभी तक चल ही रहे हैं, मतलब साथ साथ चल ही रहे हैं, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि जल्दी जल्दी टूल्स ख़त्म हो और हम किसी सही की चीज़ पर आए। अच्छा, वैसे अंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है कि कौन सा टूल क्या काम करता है क्या नहीं करता, तो इसलिए बस थोड़ा बहुत ना। अच्छा, अब हमने लास्ट टाइम याद किया था ना, क्विक सिलेक्शन टूल देखा था, क्रॉप टूल। क्रॉप टूल सबको पता है क्या होता है, क्रॉप करता है, ठीक है। अब वो अलग अलग तरीके से करता है, या तो रेशो 1:1, 4:5। अच्छा, जिनके पास पुराना फोटोशॉप है, अगर उनके पास ये ऑप्शन नहीं आते तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं भाई, क्योंकि मेरे पास 2018 का सीसी वर्जन रखा है। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से, सही है। अच्छा, खैर आगे बढ़ते हैं। अब इसके पास अलग अलग तरह के, इसके पास रेजोल्यूशन पहले से हैं, हम उसको नया क्रॉप प्रीसेट दे भी सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद सोचते हैं कि यार मुझे ये साइज रखना था इसका, तो वो क्रॉप टूल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ से आप क्रॉप आराम से कर सकते हैं, आराम से, ठीक है। उसके बाद आपके पास और भी बहुत सारे प्रीसेट, आप अपना नया प्रीसेट भी बना सकते हैं ईजीली, ठीक है। उसके बाद है रेशो, ठीक है। अब रेशो ये है कि आप यहाँ से डाल दो 1:1, 2:2, जो आपका अच्छा लगता है। जैसे मुझे 1:4 अच्छा लगता है, ठीक है, वो हो गया। फिर 1:2, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ 2:2, तो वो स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो 2:1 तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो खैर मुझे ये नहीं करना, मुझे क्लियर कर दो, ठीक है, ये क्रॉप करना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास क्लियर, यानी कि वो तो इन दोनों को क्लियर कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका टूल है स्ट्रेटन द इमेज बाय ड्रॉइंग अ लाइन ऑन इट, ठीक है। इमेज को सीधा कर देता है, उसके ऊपर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे यहाँ पे ब्रश की लाइन बनाई है ये, ठीक है। मुझे इसको सीधा करना है, और सीधा करने के लिए हमें इसके ऊपर लाइन बना देंगे, भाई ये इमेज है, इसे सीधा कर दे लो, भाई इसे सीधा कर दिया, वेरी गुड। क्लैटिंग मेन चाहिए इसके लिए, सही हमें नहीं चाहिए क्रॉप में करना, मैंने ऐसी रखी मेरा भाई, ठीक। उसके बाद स्केलिंग का टूल था, उसके बाद ये है आपके पास ग्रिड लाइन, रूल ऑफ थर्ड्स, ग्रिड, डायगनल, ट्राइंगल, गोल्डन रेशो, ठीक है। अलग अलग तरीके से ये बता देगा आपको, भाई आपकी ये ग्रिड थी, ठीक है, ये जिस तरह करके पता नहीं क्या है, ठीक है, इस तरह करके आपको बता देगा। उसमें यूज क्लासिक मोड, क्लासिक मोड जो होगा वो आप यूज़ करोगे, नहीं तो दूसरा भी आप यूज़ कर लो जो आपको अच्छा लगता है। क्रॉप एरिया हमें शो करेगा, ऑटो क्रॉप, ऑटो सेंटर की व्यू भी दिखाएगा, ये सेंटर पॉइंट है आपका, नेवर क्रॉप शील्ड, ठीक है। मैच कैनवस, कैनवस को मैच करेगा, ठीक है। आपके ऊपर वो ग्रिड लाइन शो करेगा, भाई इतना फ्री क्रॉप हो रहा है इतना नहीं हो रहा। अच्छा, उसके बाद है डिलीट क्रॉप पिक्सल, पिक्सल जो हमने क्रॉप करने हैं उनको हमने डिलीट करना है नहीं करना। कॉन्टेंट अवेयर सिलेक्शन में बता रहा था, खैर। अच्छा, कॉन्टेंट अवेयर ये होता है कि लेट सपोज मुझे ना बैकग्राउंड का इतना एरिया मुझे डिलीट करना है, ठीक है। अब डिलीट के अंदर ये होता है कि वाटर मार्क रिमूव करने में कहा होता है, मैं इसमें डिलीट किया कंटेंट अवेयर करूँगा, तो आपस में जो कंटेंट होगा ना आसपास का, उसके हिसाब से कि ये वाला एरिया ना डिलीट कर देगा, मगर ऐसे डिलीट करेगा कि बिल्कुल ब्लेंड हो जाए, तो बहुत अजीब सा लगेगा। लेट्स वेट, कितना वेट कराएगा, ठीक है। तो खैर अभी तो उसने किया नहीं, मैं उसने उसको थोड़ा सा सही कर दिया। मैं भी ऐसी इमेज लाऊंगा जिसमें कोई वाटर मार्क होगा और हम जिसको डिलीट करेंगे, सही। वो आप बाकी के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्रॉप खत्म हो चुका है, ठीक है। ये अंडू है, ठीक है, जो क्रॉप होने के बाद अंडू होता है वही, ठीक है। अंडू ये नहीं चाहिए, क्रॉप नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल सबसे सिंपल है, इसे यूज करना हद से ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। इसको बुलाने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो यहाँ से बुला लो, या आपने ग्रेडिंग टूल ऑल्ट दबा के बुला लो, ब्रश टूल है उसमें ऑल्ट दबा के मंगवा लो, ठीक है, आराम आराम से आ जाता है, ठीक है। इसके पॉइंट सैंपल लेता है, 3 बाय एवरेज लेता है, 5 बाय एवरेज लेता है, कभी मैंने यूज़ नहीं किया, पॉइंट सैंपल भी होता है। अच्छा, सैंपल वही आपने एक लेयर लेनी है, 5 लेयर लेनी है, सब लेनी है। अच्छा, सैम्पलिंग रिंग, ठीक है, सैम्पलिंग रिंग ये है, ठीक है। ये सैम्पलिंग रिंग बता रहे कि भाई ये आपका नीचे वाला फोरग्राउंड कलर था, ये पहले कलर आपका सेलेक्ट हुआ हुआ है और ऊपर वाइट वाला भाई मैं दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो फिर वो नहीं दिखाएगा, वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर देगा मेरा कलर, ठीक है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ शो सैम्पलिंग रिंग, तो भैया वो दिखा रहा है, हाँ भैया आपने पर्पल चूज़ किया था, चलो नीचे वाला चूज़ किया था, ऊपर वाला चूज़ करेंगे,
ठीक है। अब लेट्स सपोज मेरे यहाँ से ये वाला कलर चाहिए, ठीक है, और मैंने इसको ब्रश से यहाँ पे मैंने लाइनें मार दी, और इसके साथ मैंने यहाँ पे लाइनें मार दी, और इसके साथ मैंने यहाँ पे लाइनें मार दी, ठीक है। अब मैंने ये ले ली, ठीक है। वो मुझे हर एक कलर बता रहे थे, आपने वाला कलर चूज किया, ये चूज किया, ये चूज किया, मैंने क्लिक करके रखा हुआ, छोड़ा नहीं है मैंने, सही। तो ये उस हिसाब से सिलेक्शन कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आते आते स्पॉट हीलिंग टूल, आपको तस्वीर से पता चल गया होगा, ठीक है। वो स्पॉट ड्राइव कर देता है, जस्ट लाइक कॉन्टेंट अवेयर, आपका कॉन्टेंट वो वाटरमार्क रिमूव कर देता है, आपका स्पॉट आपकी जगह सही कर देता है। खैर ये उसी में मैं बता पाऊंगा जब कोई मेरे पास इमेज होगी, तो फिलहाल मेरे पास कोई इमेज नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर भी यूज़ करके देखते हैं यहाँ पे स्पॉट हीलिंग टूल आपका क्या काम करता है, क्या काम करता है भाई। अच्छा उसमें और उसे समझ करती है, वाह। ब्रश सबको पता है ब्रश क्या होता है, ब्रश ही यूज़ कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है। ब्लैक ब्रश आ गया, ब्रश के साइजेस भी यहाँ से टॉप डाउन, तुझे भी ले लो भाई। ड्राई मीडिया ब्रशेज, ड्राई ब्रशेज आपको पता होगा, जो पेंटर होंगे उनको पता होगा कि भाई ड्राई ब्रश क्या होता है, ये वाला ब्रश भी पता होगा, स्पॉन स्पॉन कहते हैं उसको, उसे बार बार चेंज अपनी शेप भी चेंज कराएगा, कितना अच्छा ब्रश है यार, ठीक है। सस्ता मोड है, नॉर्मल डिजॉल्व बिहाइंड सेंटर डार्क एंड मल्टीप्लाई कलर बर्न, कलर बर्न में क्या होगा, अच्छा कलर के ऊपर ही कर रहा है, वाइट के ऊपर काम ही नहीं कर रहा, वाह ठीक है। लीनियर बर्न पता नहीं क्या कर रहा है, इसके अलग अलग मोड है, सब आप यूज़ करके देख लीजिएगा, मैं सारे नहीं बता पाऊँगा कितने सस्ते से सस्ते हो रहे हैं, ठीक है। ऑपेसिटी आपको दिखता है, ऑपेसिटी का ब्रश चाहिए, मुझे 42 का चाहिए, लाइट हो गया 100 का चाहिए, डार्क हो गया, फ्लो कितना होना चाहिए, स्मूथ कितना होना चाहिए, स्मूथ कितना होना चाहिए, स्मूथ चाहिए भाई, आराम आराम से आ रहा भाई, जैसे मुझे आया मैं शादी में आया हुआ, आराम आराम से आ रहा भाई, आगे भी आप आराम आराम से आ जाए, स्मूथी इसी कम कर देता हूँ तो ये आराम जल्दी जल्दी से आ जाएगा भाई, शादी में भी आया हुआ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आता है ब्रश टूल के बाद, तो ब्रश भी चल जाएगा, तो इसकी ब्रश की सेटिंग है, स्मूथिंग ऑप्शन है, और ये भी शायद ब्रश की सेटिंग है सारी, ठीक है, अभी यूज कर सकता है। उसके बाद आपके पास आता है क्लोन स्टैम्प टूल, क्लोन स्टैम्प टूल, अच्छा ब्रश टूल में बाकी भी पेंसिल वगैरह वगैरह इन सबकी एक ही मेन्यू होता है, ठीक है। आप सबको एक करके एक्सप्लोर कर लीजिएगा, क्योंकि स्पॉट हीलिंग के अंदर हीलिंग ब्रश पैच वगैरह सब होते हैं, अभी मैं एक्सप्लोर कर लीजिएगा, क्योंकि सबका ऊपर वाला मेन्यू एक ही होता है, टूल्स मैंने बता दिए थे, अब बस उनके ऊपर का मेन्यू एक्सप्लेन करना है हल्का हल्का सा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है ये क्लोन स्टैम्प टूल, क्लोन स्टैम्प टूल सबको पता होगा क्या है भाई, बताया था ना पिछले लेक्चर में। अच्छा क्लोन स्टैम्प टूल क्या करता है कि भाई आपके पास ना एक एरिया को दूसरे पे कॉपी कर देता है, ठीक है। इसको ऑल दबा के हमको एरिया चूज करना होता है, इसकी मेन्यू बिल्कुल एग्जैक्टली ब्रश जैसी है, ठीक है, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। उसके बाद आपके पास आता है हिस्ट्री ब्रश, ब्रश टूल, ठीक है। वो ये भी आपके पास वाटर मार्क रिमूव करने के लिए या कुछ भी रिमूव करने के काम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास इरेजर, इरेजर तो सबको पता होगा भाई इरेजर क्या करते हैं, इरेजर क्या करते हैं, इरेजर भाई आपके पास ना कलर डिलीट कर देता है, ठीक है, इरेजर मिटा देता है, ठीक है। अब इसका मोड आप ब्रश करो, पेंसिल करो, ब्लॉक करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है भाई आपने क्या करना है, जैसे आप मिटाना चाहो वैसे, ठीक है। पेंट बकेट टूल है, जहाँ यहाँ पर आपका कलर नहीं, वहाँ वहाँ पर आप कलर डाल दो भाई, कलर डाल दो मैंने बोले इनका, तो आपको तो कलर सही है, सही है। इसके अंदर आपका ग्रेडिएंट टूल होता है, अच्छा ब्रश इसका इरेजर का भी बिल्कुल मेन्यू वैसा ही है जैसे करके ब्रश का, ठीक है। अब इसके बाद आता है पेंट बकेट टूल, ठीक है। अब पेंट बकेट टूल के बाद के जितने टूल्स हैं वो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया, सही है। अच्छा पेंट बकेट टूल भी बिल्कुल वैसा ही है, नहीं है वैसा, क्योंकि इसका मोड सारे वैसे ही है, क्योंकि इसकी ओपेसिटी है, इसका टॉलरेंस लेवल है, टॉलरेंस लेवल मतलब कि भाई कितना मतलब टॉलरेंस कर सकता है कलर को, ठीक है। उसके बाद ये जो कुछ ऑप्शन है इनको आप यूज़ कर लीजिएगा, ऑल लेयर्स पे करना है, एक लेयर पे करना है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, सही है। फोरग्राउंड कलर आपको चूज़ करना है या पैटर्न लगाना है, वो डिपेंडेंट है आपके ऊपर, सही है। ये सारे सारे चीज़ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो है वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन करूँगा मैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग इस साइड पर आ जाएंगे, राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर छोड़िए, हम राइट साइड पर आ जाएंगे,
सही राइट साइड भी बड़ी नहीं है शायद, खैर एक दो ट्यूटोरियल्स के अंदर ख़त्म हो जाएगी, फिर हम लोग कुछ बनाएंगे सही है। तो तब तक के लिए थैंक यू।